नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और सीधे रुक करते हैं टीवी और एंटरटेनमेंट की दुनिया की ओर, जहां खबर है बिग बॉस सीजन 13 से। बिग बॉस इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में बना हुआ है और जब से इसका प्रमोशन इवेंट हुआ है तब से इसकी चर्चा और जोरों शोरों से होने लगी है। दर्शकों को बिग बॉस के सीजन का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि टीवी का सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस ही है और दर्शकों को कंट्रोवर्शियल शो देखना बहुत पसंद है। बिग बॉस की जब से खबरें आना शुरू हुई तब से इसके प्रोमो वीडियो की झलक शेयर हो रही है। पहले प्रोमो वीडियो में सलमान खान मास्टर शेफ बने नजर आ रहे हैं तो दूसरे प्रोमो वीडियो में दो कंटेस्टेंट की झलक दिखाई गई जिसमें टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य जी और सिद्धार्थ नजर आ रहे थे। ये दो नाम बिग बॉस के सामने आए हैं जिनकी इस शो में एंट्री पक्की हो गई है और दो दिन पहले बिग बॉस हाउस की भी वीडियो सामने आ गई है जिसे देख दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। बिग बॉस हाउस की थीम इस बार म्यूजियम रखी गई है। सलमान खान ने बिग बॉस का लॉन्च इवेंट भी रखा जिसमें उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल, सना खान और अर्जुन बिजलानी नजर आए। खबरों की माने तो इस बार के शो में ट्विस्ट और टर्न लाने के लिए शो मेकर्स कई तरह का प्लान कर रहे हैं। शो से जुड़ी यह खबर आई है कि मेकर्स इस बार 12 साल से चली आ रही बिग बॉस की परंपरा को तोड़कर एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। आपको बता दें कि शो को लेकर ऐसी खबरें आ रही है कि इस बार शो के चर्चा में रहने की वजह सिर्फ लोकप्रिय कंटेस्टेंट नहीं है और सलमान खान की आवाज के साथ ही किसी महिला की भी आवाज सुनाई देगी। और भी क्या क्या बदलाव होंगे बिग बॉस में, आइए लेकर चलते हैं आपको पूरी खबर की ओर। इस बार बिग बॉस सीजन 13 में कुछ ऐसे लोग हैं जो 13 नंबर को शुभ नहीं मानते हैं। बिग बॉस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान ने 13 अपने लिए लकी नंबर बताया लेकिन बाकियों के लिए अनलकी बताया। पहली बार बिग बॉस के घर में हॉरर थीम देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि घर को दो अलग थीम के हिसाब से बनाया जाएगा, हॉरर और सुपर नेचुरल। सबसे बड़ा बदलाव इस बार एलिमिनेशन को लेकर भी होगा। बिग बॉस 13 के प्रोमो में सलमान खान कह रहे हैं कि कंटेस्टेंट 4 हफ्तों में ही फिनाले तक पहुंच जाएंगे। प्रोमो में सलमान टाइमिंग और फिनाले की बात कर रहे हैं। शो में 4 हफ्तों के बाद ही विनर ट्रॉफी के लिए लड़ेंगे। फीमेल वॉइस की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि सलमान के साथ साथ एक फीमेल होस्ट भी नजर आएंगी। बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। खबर तो यह भी है कि सलमान खान के अलावा जो आवाज शो में सुनाई देती है वह किसी महिला के साथ शेयर की जा सकती है। अभी तक बिग बॉस में अतुल कपूर सुनाई देते रहे हैं लेकिन सीजन 13 में उनके साथ किसी महिला की आवाज भी सुनाई दे सकती है। इस बार खास बात यह है कि इस बार सेट लोनावला नहीं बल्कि फिल्म सिटी में बिग बॉस के हाउस को तैयार किया गया है। इस बार इस सीजन में आम लोग नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज और टीवी सितारे ही नजर आएंगे। तो ये थी बिग बॉस की खबर जो इस बार इतिहास को बदलती हुई नजर आएंगी। तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।